फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा. आज हम बनाएंगे ऑयल फ्री मशरूम मसाला. ये 200 ग्राम मशरूम है हमारे पास जो हम काट लेंगे बाद में. अभी फिलहाल मसाला पहले बनाएंगे. उसके लिए यहाँ पे 5 से 6 कलियां लहसुन की मैंने काट ली है मोटी मोटी. एक प्याज है लंबा लंबा काट लिया है लार्ज साइज का. 1 इंच अदरक का टुकड़ा काटा हुआ है. यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो मैंने थोड़े बड़े बड़े काट लिए हैं और 2 हरी मिर्चें हैं. मसालों में यहाँ पर किचन किंग मसाला है 1.5 चम्मच जितना, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, इनफैक्ट 1/3 चम्मच कुटी लाल मिर्च. यहाँ पर मेरे पास है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच यहाँ पर मेरे पास है जीरा पाउडर, 1/3 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला है, 1/4 चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई, 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, यहाँ पे अजवाइन है 1/2 चम्मच और ये हींग है 1/4 चम्मच. तो ये सब मसाले लगेंगे. उसके अलावा नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे. नमक बाद में डलेगा क्योंकि हम मसाला जो बनाएंगे यानी ग्रेवी जो बनाएंगे वो दही से बनेगी. ये 1/2 कप दही है तो दही में अगर आप पहले नमक डाल देते हैं तो दही फट जाती है. तो इसलिए नमक ऑलमोस्ट लास्ट में डलेगा और वो स्वाद अनुसार. यहाँ मैंने देखिए कढ़ाई रख दी है गैस पे और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है तेल वगैरह. तो मैं सबसे पहले अजवाइन को ड्राई रोस्ट करूंगी. इसमें कम से किया हुआ है मैंने. ये अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले. थोड़ा सा सेक तेज कर रही हूँ क्योंकि अजवाइन को हम रोस्ट कर सकते हैं तेज सेक में. फिर जब प्याज वगैरह डालेंगे तो हमें कम सेक करना पड़ेगा ताकि ये चिपके नहीं. और जब तक हमारे मसाले तैयार होंगे यानी कि ये प्याज टमाटर वगैरह, तो हम तब तक मशरूम काट लेंगे. ये देखिए क्रैकल होने लगी है. ये कलर भी चेंज होने लगा, हल्की ब्राउनिश होने लगी है. और मशरूम काटने के साथ साथ एक काम और करेंगे हम. ये जो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए हैं ये हम थोड़े से पानी में घोल लेंगे, पेस्ट सी बना लेंगे इसकी ताकि ये जले नहीं क्योंकि हम सब कुछ ऑयल फ्री बना रहे हैं. ये देखिए ये हमारे रोस्ट हो गए तो मैंने सेक कर दिया कम. और अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी गार्लिक. बस ये याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एक तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा और दूसरा आपको बहुत हिलाना पड़ेगा तो आपके हाथों की एक्सरसाइज, आर्म्स की, कंधे की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाएगी. पर इतना हेल्दी और इतना टेस्टी होगा ये खाना कि आप खाएंगे एक बार तो टेस्ट की वजह से बार बार खाना चाहेंगे. और हेल्दी तो है ही और आजकल सब कोई हेल्थ कॉन्शियस है. ये देखिए ये स्लाइटली पिंकिश कलर पकड़ने लगा है. थोड़ा सा और पिंक करूंगी मैं इसको. 1/2 मिनट और चलाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी. देखिए ये हल्के से पिंक हो गए हैं. अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ. अच्छा अब ये मैंने इतने मोटे मोटे क्यों काटे हैं, वो इसलिए कि ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको पीस देंगे और पीसने के बाद फिर दोबारा थोड़ा और रोस्ट करेंगे. हम इसको पहले भी पीस सकते थे लेकिन पहले पीसने से वो फ्लेवर नहीं आता, वो मजा नहीं आता, तो इसीलिए बाद में पीसेंगे. अब देखिए अभी तो नहीं चिपक रहा. अगर बाय चांस आपका प्याज टमाटर कुछ चिपकने लगता है तो आप 1 चम्मच जितना पानी डाल दीजिए बीच में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच 1/2 चम्मच जितना पानी हल्का सा ताकि वो चिपके नहीं और छूटा रहे. अभी तो वैसे चिपक नहीं रहा है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. सर जब धीरे धीरे कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डनिश ब्राउन पिंकिश सा हो जाएगा, तब हम जाकर इसमें अदरक डालेंगे और फिर उसके 1 मिनट के बाद टमाटर.
तो अभी इसको पिंक होने की वेट करते हैं, चेंज हो जाएगा कलर, तो फिर हम अदरक टमाटर डालते हैं। देखिए जब तक ये प्याज भून रहे हैं हल्का सा पिंकिश कलर आने लगा है, पर टाइम लगता है क्योंकि ऑयल नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये हो रहे हैं मैंने यहाँ पर मसाला जो है पेस्ट बना दिया इसका, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना पानी डाल के। तो अब जब तक ये भून रहा है प्याज को मैं भूनती जाऊंगी और साथ साथ ही मैं मशरूम भी काट लेती हूँ। लीजिए जब तक मेरे प्याज लाइट पिंक हुए तब तक मेरे मशरूम भी कट गए, ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर अदरक डालूंगी, पहले आधा पौना मिनट अदरक के साथ पकाएंगे इसको, इनफैक्ट 1 मिनट भी पका सकते हैं। थोड़े प्याज अभी और भून लें, कोई बात नहीं, अभी इतने अच्छे से नहीं भुने, थोड़े और भून जाएंगे अदरक के साथ। और फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च एक साथ डालेंगे, तो 1 मिनट भूनने देते हैं इसको, बीच में 2 बारी चलाएंगे और फिर आके टमाटर डालेंगे। लीजिए अदरक भी हो गई और प्याज भी लाइट ब्राउन सा कलर पकड़ने लगे, तो चलिए अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ये गए हमारे टमाटर और हरी मिर्च अंदर, मिक्स कर लेंगे। और अब इसको केक तो ऑलरेडी कम है, ढक के भूनेंगे थोड़ा ताकि चिपके नहीं, पानी जितना कम डालना पड़े अच्छा है, टमाटर अपना पानी से छोड़ेंगे ही, तो ढक के और फिर थोड़ा पकाते हैं और फिर देखते हैं इसको। फ्रिज में मैं चलाती रहूंगी और आपको बताऊंगी जब ये भून जाएंगे, तो ये भी बताऊंगी कि कितना टाइम लगा। वैसे जनरली 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इसको भूनने में, तो इसको हम ढक देते हैं अभी। इसे ढक दिया और इसको ढक के पकने देंगे। अगर मुझे लगेगा कि ये लग रहा है तो मैं बीच में आके पानी डाल जाऊंगी। 7 मिनट हो गए हैं और मैं बीच में 2 बार देख के भी जा चुकी थी, और आप भी देख सकते हैं ये पानी अपने आप स्टीम में पानी छोड़ती रहती है। मैंने शुरू शुरू में डाला था पानी और अब थोड़ा सा फिर से चिपक रहा है, तो एक बार दोबारा डालूंगी और 2 मिनट और पकाऊंगी। बस इतना सा पानी डालेंगे हम और दोबारा इसको चला के और ढक देंगे। ढकने में ये स्टीम में पक रहा था अपने, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गया है वैसे, तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट और पकाऊंगी मैं जब तक ये जो पानी है ये चलता है, और फिर निकाल बंद कर देंगे हम इसको। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं इसको। देखिए ये पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी और फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे। तो अभी इसको पीस के और फिर हम बनाते हैं आगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं ढक्कन हटा के इसको ऐसे ही रख रही हूँ। ये मसाला पिस गया है मेरा, और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, अभी तो कोई और मसाले नहीं डाले, कि अगर वीडियो में डाल सकती मैं तो खुशबू भी साथ में डाल के आपको भेज देती। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी इस वक्त, और अभी फिर भी थोड़ा सा और भी पकेगा, ये थोड़ा सा पकेगा थोड़ा सा सूखेगा, तो 1-2 मिनट तो खैर ऐसे ही पकने लूंगी मैं। उसके बाद जब ये थोड़ा पानी सूखने लगेगा तब मैं वो मसाले डालूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे पानी में मिक्स करके रखे हुए थे। तो अभी 1-2 मिनट इसको पकने देते हैं, आप देख सकते हैं ये उबल रहा है, तो पानी इसका सूखेगा, तो पानी सूखने देते हैं इसका पहले हम। देखिए 1.5 मिनट हो गया है, पानी थोड़ा सा सूख गया है, हमें पूरी तरह नहीं सुखाना क्योंकि हमने मशरूम भी पकाने हैं अभी। और ये देखिए ये मसाला डाल रही हूँ मैं जो हमने पानी में मिला के रखा था, 2 बूंद पानी डालना पड़ेगा मुझे कटोरी में ताकि सारा मसाला निकल आए। 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल देती हूँ, उससे फायदा ये होगा कि मेरे मशरूम भी पक जाएंगे अगर थोड़ा सा पानी होगा, और मसाले भी अच्छे से रिझ जाएंगे इसमें मशरूम में।
एक टेबलस्पून पहले डाला था, एक टेबलस्पून और डाल रही हूँ। मिक्स कर दिया मैंने इसे और अब मैं इसमें मशरूम डालूंगी। देखिए हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसलिए पकाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली आप नमक डालते हैं तो मशरूम फटाफट से पक जाते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा अगर मैंने नमक डाल दिया तो दही फट जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है हमने, दो ढाई टेबल स्पून जितना, और उसी पानी में स्टीम में इसको पकने देंगे। तो अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में आके देखते रहेंगे, इसको 7 से 8 मिनट तो लग जाएंगे एटलीस्ट पकने में। तो मैं ढक रही हूँ इसको, सेक कम कर रही हूँ और इसको पकने दूंगी कम से कम। 3-3.5 मिनट हो गए हैं तो हम देख लेते हैं एक बार कि कितना हुआ सब्जी। ये देखिए पानी की जरूरत ही नहीं है, कितना सारा पानी इसने अपने आप छोड़ दिया है, क्योंकि जो किचन की मसाला है उसमें भी हल्का सा नमक तो खैर होता ही है, शायद इस वजह से मशरूम ने पानी छोड़ दिया है और मशरूम देखिए गलने भी शुरू हो गए हैं। तो अभी इसको थोड़ा 2-4 मिनट और पकाएंगे हम और उसके बाद फिर हम दही डालेंगे। सेक थोड़ा मीडियम कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी रसीली नहीं चाहिए सब्जी, थोड़ी लटपटी सी चाहिए मसाले वाली। 5-6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं अब ये चिपकने सा लगा है, तो मैं इसमें दही डाल देती हूँ। दही डाल के भी हमने इसको गीला नहीं रहने देना है, हमने इसको ऐसे ही सुखाना है जैसा इस टाइम दिख रहा है। थोड़ी सी दही की कटोरी में मैं ये डाल रही हूँ सब्जी ताकि सारी दही निकल आए। और थोड़ा सा पानी भी डालूंगी और जब ये ऑलमोस्ट पकने वाला होगा, जब दही थोड़ा पक जाएगी उसके बाद फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा दही खट्टी ना हो, हल्का बहुत खटास तो चलता है पर ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए वरना फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि दही सारी निकल जाए। मिक्स करूंगी अच्छे से और अब इसको ढकने की जरूरत नहीं है, हम इसको अब टेस्ट चेक कर ही पकाएंगे। मैं मशरूम एक बार देख लेती हूँ कैसा हुआ। थोड़ा कच्चा है मशरूम तो ढक के ही पका लेते हैं। जब पक जाएगा तो फिर हम सेक टेस्ट करके इसको सुखा देंगे। अब ये मीडियम सेक पर ही है। देखिए ये पानी सूख गया है, इतना लटपटा तो हमें चाहिए, तो हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। धनिया वगैरह डाल देंगे इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। तो अभी ये बंद करके गैस और इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये नमक नहीं डाला था उस टाइम हमने, तो मैंने दोबारा गैस जला दी है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इसमें हम, और याद रखना पड़ेगा कि किचन किंग मसाला में भी थोड़ा नमक होता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा कम नमक। और अब क्योंकि ये नमक को मिक्स होना है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा 1-2 मिनट और पका लेती हूँ जब तक कि ये पानी सूख नहीं जाता। आप देख सकते हैं मैंने 1-1.5 टेबल स्पून जितना ही सिर्फ पानी डाला है, मकसद मेरा ये है कि नमक मिक्स हो जाए इसमें बस। तो कम सेक पर ही इसको मैंने छोड़ दिया है, ये जैसे ही थोड़ा सूखता है नमक मिक्स होता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। मशरूम मसाला तैयार है, देखिए इतना खूबसूरत सा कलर आया है
और लग भी नहीं रहा है कि तेल नहीं है इसमें, तो अगर बगैर तेल के इतना टेस्टी खाना मिले तो तेल की ज़रूरत ही क्या है। बना के देखिए, बताइए हमें आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप ऑन वॉचिंग एंड आई विल कीप ऑन कमिंग बैक टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।